सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव 27 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार निखिल मदान चुनाव प्रचार के लिए पुराना रोहतक रोड पर पहुंचे, जहां उनका समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी छोड़कर गए कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा पर कटाक्ष करते हुए बताया कि उनकी मानसिकता केवल और केवल टिकट पाना है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे जो कांग्रेस के मेयर पद की टिकट मिली है वो मेरी मेहनत और जनता के बीच में रहने से मिली है और हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जबकि इस टिकट को पाने के लिए छाबड़ा एक सप्ताह में करीब 4 बार पार्टी हाईकमान के चक्कर लगाते थे, वो कभी जनता के बीच में तो गए ही नहीं, तो उनको टिकट कहां से मिलता। मदा ने प्रचार के दौरान यह भी बताया कि अगर जनता के आशीर्वाद से उन्हें मेयर पद मिलता है तो वो सबसे पहले सोनीपत में सफाई और पानी की निकासी का काम करवाएंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आपके सब दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आप देख सकते हो कि भी जिस तरीके आज युवाओं में बड़े बुजुर्ग यहां पर आशीर्वाद देने के लिए हमारे को पहुंचे हैं और जिन्होंने इतना भारी संख्या में पहुंचकर स्वागत किया, तो मेरे को तो पूरा विश्वास है सोनीपत की जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, मेरे को भी देगी और हमारे इस वार्ड से भाई पार्षद अनिल सीटू भाई को भी जरूर आशीर्वाद देगा। कुछ कांग्रेसी दल छोड़ के बीजेपी में गए हैं तो कितना नुकसान होने वाला है आपको? देखो, जिसकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक टिकट की लड़ाई की हो, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और सिर्फ मैं एक बात समझता हूँ, हम कांग्रेस के सिपाही और मैं भी, सीटू भाई भी, चाहे हमारे और पार्षद भी, सिर्फ और सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पब्लिक का आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप मेयर बनते हैं, तो कोई ऐसा एक काम बताओ जो सोनीपत की जनता के लिए सबसे पहले करवाएंगे आप? देखो, सबसे पहला काम मैंने पहले भी बताया था मीडिया के माध्यम से और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, हमारे सोनीपत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम की। पहली चीज ड्रेनेज सिस्टम का, पानी की लाइन और मल्टी लेवल पार्किंग, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मैं समझता हूँ कि जो जल्दी हम चालू कराएंगे। और इसके साथ साथ में एक अपने शहर को ग्रीन सिटी बनाना चाहता हूँ, जितने भी हमारे कॉलेज में पार्क हैं, ओपन जिम की हम फैसिलिटीज़ देंगे, पहले भी ओपन जिम लगे पर वो किस हालात में हैं और आज उन पार्क की क्या कंडीशन है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। कम से कम जहाँ पर आप कोई चीज़ लगवा रहे हो या सरकार के माध्यम से कोई चीज़, कोई ओपन जिम लग रहा है या कोई और भी चीज़ें सुविधाएँ वहाँ पर आ रही हैं, उसमें ये तो होना चाहिए सरकार उसकी देखभाल करे। आज सरकार ने ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई, खराब भी चीज़ें हुई और कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं। कल ही आप पे आरोप लगे हैं, अशोक छाबड़ा ने आरोप लगाए हैं कि पैसे में टिकट बिकी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, ऐसा है, मानसिकता जिसकी जैसी होगी वो वैसी बात करेगा। आज वो, मैं उनकी बात सुन रहा था, कल एक वो बात कह रहे थे कि भाई पैसे में टिकट लेकर आए और ऊपर की हाजिरियाँ मारते हैं। ऊपर की हाजिरियाँ मेरे से ज़्यादा, मैं तो फिर भी महीने में एक बार जाता हूँ, ये तो हफ्ते में 4 बार जाया करते थे। जब ऊपर की ही सिर्फ हाजिरियाँ मारते थे, पब्लिक के बीच में तो आए नहीं, टिकट मिली है पब्लिक के आशीर्वाद से और पब्लिक की आवाज़ से। आज पब्लिक को ये पता है कौन ऊपर की हाजिरी मारता था और कौन पब्लिक के बीच में रहता था। आज यहाँ पर इतने सारे हमारे समर्थक बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जो आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है, आप इनसे पूछ कर देखो छाबड़ा साहब का नाम कौन जानता है, किसके बीच में आए, किसके सुख दुख में आए। किसी के पास अगर आए होंगे तो मैं कहूँगा कि भाई, अगर मेरे को लगता या सोनीपत की जनता को लगता कि मेरे से ज़्यादा पब्लिक का आशीर्वाद दे रहे थे तो जनता उनका नाम बोलती। जब जनता ने ही नकारा तो हम उसमें, हम क्या कसूरवार हैं।